नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक जो मैंने भी फेस की है वो आपको फेस ना करनी पड़े, और वो टेक्निक है वोकल रिकॉर्डिंग। एफएल स्टूडियो में वोकल रिकॉर्डिंग की शुरू में मैंने वोकल रिकॉर्डिंग की फेस जो इतनी की कि आप समझ नहीं सकते हो, दिमाग ही खराब हो गया। लेकिन मैं आपको 1-2 मिनट के अंदर सारी टेक्निक आपके सामने रखने वाला हूँ। वीडियो को अच्छी लगे प्लीज, ना भी अच्छी लगे यार, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल से जुड़ जाना। मैं कोशिश करूंगा एफएल स्टूडियो से बहुत सी जुड़ी हुई। इसके साथ साथ एक मेरा और इसमें चल रहा है कि मैं हारमोनियम पे भी कुछ आवाज़ को मीठा करने की, आवाज़ को अच्छा बनाने की टेक्निक बता रहा हूँ। उसके अंदर भी आप जाकर देख सकते हैं जो मैं चीज़ बताता हूँ, हो सकता है आपकी वोकल के लिए, आपकी आवाज़ के लिए अच्छी बने, अच्छी लगे आप, तो उसमें भी आप जरूर उसको भी देखते रहे। अभी मैं आपको जो बताता हूँ रिकॉर्डिंग की, अभी जो अपडेट आया है एफएल स्टूडियो 21 में अंदर, जो बहुत कमाल की चीज़ें ने ऐड कर दी हैं, उसको भी आगे आगे मैं आपको बताता रहूँगा। जो वीडियो आपको लगता है वी एस पे वीडियो बननी चाहिए, उस पर कमेंट बॉक्स में मेरे लिख दें, मैं कोशिश करूँगा जितनी मुझे नॉलेज। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मैं बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ा सियाणा नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन जितनी रखता हूँ आप दोस्तों के लिए रखता हूँ, आप दोस्तों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो कभी भी अपनी सोच को नकारात्मक नहीं होने दें, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में नाम कमाएंगे। मैं अच्छी से अच्छी मोटिवेशन से भरी हुई वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो अभी आओ समझते हैं। अब आपको शायद आपके पास भी आवाज़ आ रही हो सांस सांस की, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे कान में आ रही जैसे। तो मैंने यहाँ पे अभी देखो मेरे पास 2 माइक मैंने लगा रखे हैं। एक माइक मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, और एक मेरा अंदर लगा हुआ है। 2 माइक मैंने लगा रखे। अब बात जो काम की है कि यहाँ हमें माइक की जब रिकॉर्डिंग करनी है, अंदर हमारा रिकॉर्ड कोई कलाकार आया है तो उसकी रिकॉर्डिंग जहाँ जो हमने सेट करके, उसमें अगर नॉइस ना आए, हमारी आवाज़ अच्छी आए, क्लीन आए, साफ सुथरी आए, क्योंकि कोई भी रिकॉर्डिंग के लिए आएगा तो उसको वोकल तो अपनी अच्छी चाहिए, चाहे हमने खुद की भी कर रहे तो वो कैसे आए। बस इसी बात को हमने बस थोड़े से दो चंद मिनटों में, बस वीडियो से जुड़े रहे, मैं 2 मिनटों में आपको बातें सारी क्लियर कर देता हूँ। वोकल रिकॉर्डिंग की सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाएंगी आपकी दोस्तों। तो अभी मेरी वोकल यहाँ पे आपको कहीं नज़र नहीं आ रही कहीं भी। अभी मैं यहाँ से माइक टू जो है उसके अंदर मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ आएगी 1 में। हेलो हेलो हेलो, हेलो, आप आप देख देख रहे रहे हैं, हैं, मैं मैं इधर इधर से से आवाज़ आवाज़ कम कम कर कर देता देता हूँ। हूँ। हेलो हेलो हेलो, आ रही हेलो, है ये वोकल में जो मेरी आवाज़ माइक की आ रही है, तो आप किसकी आ रही है? मैंने इंटेक्स का जो जिसमें मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है उसके साथ एक माइक अटैच है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप देखना। एफएल स्टूडियो एस्यूमेंट यहाँ पे को आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो मैंने माइक्रोफोन अटैच कर रखा है। अगर गलती से आपने यहाँ कर लिया तो आपके पास जो माइक है उसकी वोकल रिकॉर्ड नहीं शो करेगा। किसकी करेगा? जो माइक्रोफोन हम लेके आते हैं जो ये वीडियो बनाने के लिए साथ अटैच करते हैं, तो उसका अटैच कर दिया तो उसकी वोकल आएगी। हम फिर दिमाग लड़ाते थे यार क्या हो क्या गया, तो यहाँ पे हम जाएंगे। तो अभी आप देखते रहना, मैं इसके ऊपर, मेरे पास इंटरफेस है मिनी फ्यूज का, तो 1 और 2 जो है ये मैं इसको अभी क्लिक करूंगा, मेरी आवाज यहाँ से गई। अब मैं यहाँ से मैंने क्या कर रखा है, एक मेरा माइक एक तो अंदर लगा हुआ था, अंदर कैसे आवाज आई, मेरे माइक की कौन सी आ रही थी, माइक्रोफोन की। अब मैं यहाँ माइक मेरे पास जो है ये है 2, आप देखना 2 वाली आवाज कितना अंतर है, आवाज में नॉइस खत्म, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अब दूसरे नंबर पे आप देखो, इसके अंदर भी एक सेटिंग करने वाली है, हम जहाँ तो डिफॉल्ट में करेंगे, आप देखना डिफॉल्ट में कर दिया लेकिन बात नहीं बढ़ी, हमने आउटपुट सुनना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें नहीं करना, इसमें करना है इसमें। हेलो, तो हमारी आवाज हमारे पास आए तो इसके लिए हमें अपना जो है यहाँ पे सेटिंग ये कर लेंगे। अब कर ली, अभी देखो नॉइस बिल्कुल नहीं है, नॉइस आप कहाँ थी, जहाँ थी नॉइस देखो। हेलो, अभी देखना मैं इसको एक पे दोबारा फिर करता हूँ, आप अपने आप
हेलो हेलो हेलो, देखो माइक्रोफोन में नॉइस सुनाई दे रही है, और अभी आगे हम चलते हैं, इसको मैं माइक्रोफोन से हटाकर इसमें कर रहा हूँ, और आगे चलते हैं इसको जहाँ पे मैंने लेफ्ट राइट हेलो, तो यहाँ से हम माइक करते हैं दो, हेलो हेलो। तो ये इनपुट आउटपुट के अंदर क्या हो रहा है, इनपुट और आउटपुट में मेरी आवाज़ मुझे भी सुनाई दे रही है, अगर मैं अपनी आवाज़ सुनना चाहता हूँ तो इसके प्रकार हम इस पे काम कर सकते हैं। और अभी आपके सामने में जो बात रखने वाला हूँ रिकॉर्डिंग की, कि यहाँ से हमने सेटिंग कर ली, अब मेरा माइक टू चल रहा है, माइक अंदर से दो की रिकॉर्डिंग भी, एक की भी कर सकता हूँ, दो की भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ले रखा है और इसमें मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करनी है, इसको हमने करना है ऑन प्ले, और यहाँ कर देना है क्लिक, और यहाँ से इसको देना है चला। तो ये रिकॉर्डिंग मैंने कर दी, इसके अंदर हम नॉइस इसके हटाने का काम, मैंने पहले एक वीडियो बनाई है उसमें जाकर देख लेना नॉइस कैसी, इसमें से अगर कोई फिर भी नॉइस आए तो उसको हटा सकते हैं। अभी इसको सुनते चला हैं। हा रे 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 गा 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 मा, देखो कमाल की है। दूसरा यहाँ पे मैं एक टेक्निक और बताने जा रहा हूँ, जहाँ ट्रैक रूट पे जाएं और जहाँ से ले लिया मैंने एक, तो यहाँ पे ले लिया और यहाँ से मैं माइक जैसे ले रखा है तो रिकॉर्डिंग पर यहाँ से दबा देते हैं, और यहाँ से ये दबा दिया। अब हमने ऑटो इसमें इनटू में क्या करना, प्लेलिस्ट में ऑडिशनल में हमने पहले कर लिया, इसमें करनी है रिकॉर्डिंग। तो यहाँ देखो ये तो गलत हो गया काम, तो हमने अभी काट देना है इसको, हमने इसमें रिकॉर्डिंग नहीं दिखानी है, हमने इसको नन कर देते हैं। तो यहाँ हमारी रिकॉर्डिंग, हेलो हेलो, यहाँ रिकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने ये देखो यहाँ रहा माइक नंबर टू, हेलो 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 हेलो। तो अभी हमारी वोकल माइक नंबर टू के अंदर, माइक टू की मैं इसकी वोकल उड़ा देता हूँ, आपको पता चलेगा नॉइस बढ़नी शुरू होगी, हमने कितना मैं माइक से अभी दूर हूँ, इसलिए ये वोकल इसके अंदर सुनाई जो हमारी, तो इसमें आपको सुनाता हूँ दोस्तों। हेलो हेलो, वोकल उड़ा देता हूँ, आपको पता चलेगा नॉइस बढ़नी शुरू होगी, हमने कितना, तो आपने अभी देखा हमने नॉइस ना आए, वोकल का जो वोकल की वैल अपने हमने बढ़ानी है, इसकी रेंज भी नॉइस के हिसाब से चेक करते रहना है, जहाँ नॉइस ना आए उसी हिसाब से हमने रिकॉर्डिंग इसकी कर लेनी है। तो ये इसके अंदर हमने प्लेलिस्ट में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एडिशनल में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी हमारा क्या है, अगर हमारी वोकल अच्छी साफ सुथरी चाहते हैं तो हमें क्या करना है, इसमें इसकी सेटिंग को बढ़िया तरीके से सेट कर लेना है, और आपकी जो सारी समस्याएं इस सेटिंग को करने के बाद हल हो जाएंगी, आपकी वोकल एक नंबर की मीठी आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सलूट।